अब देखिए इंफॉर्मेशन फंक्शन कहाँ काम आते हैं हमारे, इंफॉर्मेशन फंक्शन जो है कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें देते हैं जिसका हम यूज करते हैं ऑटोमेशन में, ठीक है जी, या फिर कई बार नहीं पता और नहीं समझ आती तो इसी में से ही हमें जवाब मिलते हैं। देखिए एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दिखाता हूँ, अब सेल का फॉर्मूला पहले आपको बताता हूँ कि सेल का फॉर्मूला क्या करता है। पहला फॉर्मूला है सेल का, सेल का फॉर्मूला हमें दो चीज, दो पैरामीटर है, इन्फो टाइप एंड रेफरेंस। रेफरेंस जो होगा आपका एड्रेस होगा, तो मान ली मतलब अब मैंने एड्रेस लेना है किसी का, मैंने इसका एड्रेस लेना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया ये रेफरेंस, तो ये मुझे इसका एड्रेस बता रहा है, ठीक है जी। और क्या करता है, और सेल के फॉर्मूले में जैसे कॉलम, किसी भी रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे तो उसका कॉलम नंबर बता देगा, इसको सिलेक्ट किया तो इसका कॉलम नंबर बता दिया इसने, ठीक है जी, कि फोर्थ कॉलम है। और क्या निकालते, कलर, कलर में इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए जो मतलब जो नंबर फॉर्मेट में जो कलर होता है ना वो निकाल बताता है, इसके अंदर कुछ पैरामीटर देता है। अब जीरो मान लीजिए मैं यहां से कलर भरूं तो कुछ दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, यहां से कलर भरूं कुछ दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, नंबर फॉर्मेटिंग में यहाँ पे ये वाला कलर चूज करके -1 2, ठीक है जी। तो नंबर फॉर्मेटिंग में जो नेगेटिव वैल्यू रेड वाली होती है ना तो उसके लिए 1 देता है, बाकी के लिए 0 देता है, ये फॉर्मेटिंग का मतलब नंबर फॉर्मेटिंग से है, ठीक है जी। और क्या दिखाता है, कंटेंट, जो इसके अंदर कंटेंट है वो बता देगा, फाइल नेम, फाइल नेम है वो बता देगा किसी भी फाइल का। अभी ये सेव नहीं है इस कारण से ये ऐसे दिखा रहा है, डेस्कटॉप सैंपल, सैंपल के नाम से सेव कर रहा हूँ। तो इसने ये मेरे को पूरा का पूरा लोकेशन और नाम उसका रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। और क्या करता है ये फॉर्मेट, ये काफी काम की चीज है, फॉर्मेट इसका फॉर्मेट बताएगा, ये बोल रहा है F2-, F2 का मतलब है कि न्यूमेरिकल में 2 डेसिमल पोजीशंस तक है ये। अब देखिए ये कुछ कोड जो रिटर्न कर रहा है ना, कहीं 0 कर रहा है कहीं 1 कर रहा है, अब इसको समझने के लिए कहाँ जाएंगे हम, यहां से इस पे एफएक्स पे क्लिक कीजिए, हेल्प ऑन दिस फंक्शन, क्योंकि जब पता होगा तभी तो करेंगे इसके बारे में, तभी तो समझेंगे। तो ये सेल का है, एड्रेस में क्या रिटर्न करता है, रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट सेल रेफरेंस, कॉलम में कॉलम नंबर, कलर में 1 इफ द सेल फॉर्मेटेड इन कलर फॉर नेगेटिव वैल्यूज अदरवाइज रिटर्न 0, कंटेंट में वैल्यू ऑफ द अपर लेफ्ट सेल इन रेफरेंस नॉट अ फॉर्मूला, ठीक है जी। कहीं आपका फॉर्मूला लगा हुआ है तो भी उसका कंटेंट रिटर्न करेगा, कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है जी। CORD कोड है, एब्सोल्यूट रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स मतलब ऑफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट सेल इन रेफरेंस एज टेक्स्ट,
कोऑर्डिनेट्स रिटर्न करेगा, फाइल नेम, फॉर्मेट, और फॉर्मेट में टेक्स्ट वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर फॉर्मेट, द टेक्स्ट वैल्यू फॉर द वेरियस फॉर्मेट आर शोन इन फॉलोइंग टेबल रिटर्न्स डैश एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट वैल्यू ऑफ द सेल फॉर्मेटेड कलर फॉर द नेगेटिव वैल्यूज रिटर्न्स पैरेंथेसिस, मतलब ये नेगेटिव माइनस रिटर्न करता है अगर नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए फॉर्मेटेड है विद कलर के लिए, रिटर्न्स पैरेंथेसिस रिटर्न करता है एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट वैल्यू इफ द सेल फॉर्मेटेड विद पैरेंथेसिस फॉर पॉजिटिव ऑल वैल्यूज, मतलब आपकी पॉजिटिव वैल्यूज भी पैरेंथेसिस के लिए है तो पैरेंथेसिस रिटर्न करेगा, ठीक है जी। पैरेंथेसिस अगर देखना चाहे वन इफ द सेल फॉर्मेटेड विद पैरेंथेसिस फॉर पॉजिटिव और ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज के लिए हमने पैरेंथेसिस सिलेक्ट कर रखा तो वन दिखाएगा अदरवाइज जीरो दिखाएगा। प्रीफिक्स तो इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड है कि नहीं, रो नंबर, टाइप टाइप डाटा, बी फॉर ब्लैंक, एल फॉर लेबल एंड वी फॉर वैल्यू, तीन चीजें दिखाता है, विड्थ कॉलम विड्थ बताता है आपको, ठीक है जी। अब ये तो अब देखिए जनरल, अब फॉर्मेट पे पढ़ते हैं और डेप्थ में आते हैं क्योंकि फॉर्मेट में F2 दिखाया था ना उसने, तो अलग अलग फॉर्मेट के लिए क्या क्या रिटर्न करता है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। जनरल फॉर्मेट है तो जी, मतलब नंबर फॉर्मेट है तो F0, और ये है कि अगर हमारा 1000 सेपरेटर लगा हुआ है तो कॉमा 0 रिटर्न करेगा। अब अगर 2 डेसिमल में वैल्यू है तो F2 रिटर्न करेगा, 1000 सेपरेटर के साथ 2 डेसिमल है तो कॉमा और 2 रिटर्न करेगा। देन आपका ये है करेंसी का, करेंसी में C0 रिटर्न करेगा, नेगेटिव वैल्यू रेड में फॉर्मेटिक है तो सी करेंसी की तो C0 माइनस में रिटर्न करेगा। तो इस तरह से कुछ कोड्स हैं इसके, डेट के लिए, टाइम के लिए, तो आप इस चीज को एक बार देख लीजिएगा डिफरेंट डिफरेंट चीज में। अब इस चीज का मैंने प्रैक्टिकल यूज कहाँ किया था वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इस चीज का मुझे वहां पे कहीं पे भी, इसका गूगल पे भी नहीं मिला था कि फॉर्मूले के जरिए कैसे करेंगे, फॉर्मूले के जरिए क्या वैसे भी नहीं समझ आता था कि वैसे कैसे करेंगे। मान लीजिए कुछ यहाँ पे वैल्यूज पड़ी है मेरी, यहाँ पे कई वैल्यू है मेरी, 1.22365 ऐसे एक वैल्यू है, फिर 16, ठीक है जी, और ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि कोई वैल्यू के डेसिमल कम कर रखे थे, वैल्यू तो वही थी तो किसी में डेसिमल कम थे किसी में वैसे ज्यादा थे, यहाँ ज्यादा कर देते। अब जो है वैल्यू इसमें जो इससे फर्क पड़ा कि वैल्यू राउंड हो गई, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट ये थी कि जो डाटा दिख रहा है ना वही चाहिए। इसका कोई सलूशन बता सकते हैं कैसे होगा? जो वैल्यू ऊपर दिख रही है, क्योंकि अगर अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूं और देन इसको टोटल करूं तो वो इससे डिफरेंट, मतलब इसके सिमिलर हो रहा, और ये जो एक्चुअल टोटल आता वो अलग ही आता। तो बात ये थी कि यहाँ पे कम से कम भी 15,000 से 20,000 वैल्यूज थी जो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर रही थी, मतलब थोड़ा सा भी डिफरेंस, पॉइंट का भी डिफरेंस कई हजारों में बन रहा था।
अब क्वेरी ये थी कि इसमें से मुझे जो दिख रहा है वही वैल्यू चाहिए, अंदर कुछ और है, यहाँ देखेंगे तो वैल्यू कुछ और है, यहाँ दिख कुछ और रही है। इसका गूगल में भी मैंने सोच ढूंढा पहले तो, क्योंकि देखिए इसमें प्रैक्टिकली क्या होता है, हम लोग एक्सेल जानते हैं तो जो काम सबसे फास्ट जिस तरीके से होता है उस पे जाते हैं, सारे सोल्यूशन किसी को नहीं पता होते, सब नेट से ढूंढ के या इधर उधर से कर देते हैं, काम से मतलब होता है जिस फास्ट तरीके से हो जाए। मैंने सबसे पहले तो नेट पर ढूंढा, नहीं मिला। सेकंड जो था, अब खुद से प्रैक्टिस करनी थी, तो मेरे दिमाग में आया कि यार इन्फॉर्मेशन मुझे ये चाहिए कि ये फॉर्मेट में क्या लगा हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन फंक्शन ही यूज होते, तो सेल के फंक्शन पे नजर पड़ी और इस पे मैंने फॉर्मेट चूज किया और रेफरेंस ये दे दिया। ठीक है जी, मैंने ड्रैग किया तो इससे थोड़ी सी उम्मीद बंधी, क्योंकि ये जो दिखा रहा था, देखिए बढ़ने पे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डेसिमल बड़े होते तो वहां तो कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जीरो रहता। अब करना क्या था कि अब मुझे इसके जरिए मिल गए जो हमारा फॉर्मेट अप्लाई हुआ था, मतलब F2 F1 F3 3 ये था, इससे मुझे पता पड़ गया कि वैल्यू में मतलब कितने डेसिमल्स हैं। अल्टीमेटली वैल्यू तो राउंड करनी थी मैंने, पर कहां तक राउंड करनी थी ये नहीं पता थी। ठीक है जी, तो मैंने सेल का फंक्शन यूज किया। नेक्स्ट मैंने किया सब्स्टिट्यूट, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसमें से पहले एफ को चूज किया, फिर न्यू टेक्स्ट में ब्लैंक ले लिया क्योंकि एफ मुझे हटाना था। ठीक है जी, ये किया मैंने तो मेरे को आ गया, इसके नंबर आ गए, जो चीज चाहिए थी मुझे मिल गई। अब मैंने सिंपल क्या करना था, इसको राउंड फंक्शन में डाल के एक्चुअल नंबर को और नंबर डिजिट जो राउंड होनी थी वो यहां तक होनी थी, तो ये मुझे उसका एक्चुअल डाटा मिल गया। ठीक है जी, इससे बताया सर क्या क्या आते हैं और अभी आपको ये सही, हाँ राउंड कर दिया, ये नंबर फॉर्मेट में है, इसको जनरल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, हाँ तो जो दिख रहा है वो एक्चुअल वैल्यू मुझे मिल गई इसमें। ठीक है सर, जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके बढ़ने से कोई टोटलिंग पे इफेक्ट नहीं आना था। ठीक है जी, तो इस तरह से मुझे एक्चुअल वैल्यू मिल गई। अब देखिए राउंड करते तो वहां पर ज्यादा फाइल हुआ तो, अब ये देखिए डिफरेंस आ रहा है ना। हाँ तो अब इतना अब किसी को देना था तो मैंने एक ही फॉर्मूले में करना था, फिर बाकी मैंने फॉर्मूला शॉर्ट कर दिया, वैल्यू जो मैंने तोड़ी कुछ इसी तरह से तोड़ी। मैंने क्या किया, इसको यहां से कॉपी किया, अब यहां पे जहां रेफरेंस ले रखा था ये रेफरेंस है, यहाँ ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब फिर यहां से ये फॉर्मूला कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे नंबर डिजिट्स में सारा करना था, ये मेरा फॉर्मूला बन गया था। जनरल फॉर्मेट, ये आ गया मेरा सामने इस फॉर्मूले से रिजल्ट। ठीक है सर, फॉर्मूला समझ में आया सर क्या किया मैंने, पहले सेल से फॉर्मेट उसका पकड़ा, फिर उसमें एफ को जो है सब्स्टिट्यूट करा दिया ब्लैंक से, तो मेरे पास नंबर बच गए, उसको उस आए हुए नंबर को मैंने राउंड में दे दिया। ठीक है सर, तो ये सेल का फॉर्मूला यहाँ काम आया हुआ है, क्योंकि कई चीजें हमें गूगल पे नहीं मिलती है। एग्जैक्ट क्या चीज,
आपने जो किया अच्छा किया सर। तो ये मतलब सेल का फॉर्मूला एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लगाऊं कहाँ, तो फिर उस दिन मेरा जाके डाउट क्लियर हो, मैंने सीख तो लिया फॉर्मूला, अब काम कहाँ आएगा मुझे नहीं पता था। तो सिचुएशन ऐसी भी आती है कि कहीं भी आपको ऐसा काम मिल सकता है, बस जो फॉर्मूला है उसके बस प्रैक्टिस करते जाइए, बाकी देखते हैं। एरर टाइप जो है, जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एरर होती हैश एने और वो सब जितनी एरर होती है, एक तो ये लीजिए, ये हो गई, और आपका डिवाइड बाय जीरो जब करते हैं तब एक अलग एरर आती है, और जब आपका एड्रेस लॉस्ट हो जाता है तब रेफरेंस की एरर आती है। तो इसी तरह से जितनी भी एरर होती हैं, तो एरर का टाइप गेट करने के लिए एरर टाइप का फॉर्मूला होता है, इसके अंदर एरर वैल्यू को पास कराते हैं। ठीक है जी, अब अलग अलग कोड दिया है, कोड के लिए मैंने बता दिया कैसे जाना है आपको, इसमें जाइए, हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे चले जाइए, यहाँ पे आपको कोड मिल जाएंगे। हैश नल करके आता है तो 1, डिवाइड बाय 0 के लिए 2, वैल्यू के लिए 3, रेफरेंस के लिए 4, नेम के लिए 5, हैश नम करके आता है 6, हैश एन के लिए 7, और इसके अलावा अगर कुछ और आता है तो हैश एन ही आता है, ये खुद एरर रिटर्न कर देता है। ठीक है जी, जब ये खुद एरर रिटर्न कर दे तो समझ लीजिए मतलब कोई एरर इनमें से नहीं है। ठीक ओके। है जी, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, इन्फो। सेल की तरह ही इन्फो का एक फॉर्मूला है, इन्फो भी इंफॉर्मेशन ही देता है। अब इन्फो का फॉर्मूला सबसे पहले तो इसमें तो कुछ दिखाई नहीं रहा है, इन्फो टेक्स्ट बता रहा है, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास होते हैं, वो मुझे कहां से पता पड़ा, आप इसमें चले जाइए हेल्प ऑफ दिस फंक्शन में, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर ये पास करेंगे तो आपको इनका आंसर है, डायरेक्टरी से पाथ ऑफ करंट डायरेक्टरी और फोल्डर, नम फाइल, नंबर ऑफ एक्टिव वर्कशीट इन योर ओरिजिन, रिटर्न्स द एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस ऑफ द टॉप एंड लेफ्ट मोस्ट सेल विजिबल। ये देखिए, जो सेल दिख रहा होगा ना, जो सेल विजिबल होगा उसका दिखाएगा, ओरिजिन का देखते हैं। मैं डी पे काम कर रहा हूं, इन्फो D1 दिखा रहा है ना, A:D1, लास्ट में जो दिखाएगा वो ही आपकी वो वैल्यू होगी। ठीक है जी, यहाँ पर A:D1 दिख रहा है सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे डी है, लेफ्ट मोस्ट टॉप सेल आपको दिखाता है। फिर से कैलकुलेट करेंगे, E1 दिखा रहा है। ठीक है जी, अब इन्फो में और क्या क्या पास कर सकते हैं, ऑब्जर्व, OS वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन आपको रिटर्न करता है, इन्फो OS वर्जन। ठीक है जी, ओके। इन्फो रिकैल्क, ये आपका कैलकुलेशन मोड कैसा सेट है, मतलब कैलकुलेशन ऑप्शन होते हैं ना, तो मैनुअल, ऑटोमेटिक जो भी है वो आपको दिखाएगा, जो भी सिलेक्टेड होगा। तो मतलब फॉर्मूला हमें
इतना सब कुछ दे देते हैं कि इसको कैसे भी आप फॉर्मूले के थ्रू यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह काम करते हैं। रिलीज एक्सेल कौन सा वर्जन है, ठीक है जी। अब ये 12.0 दिखा रहा है, इससे पहले 2007 और बाकी सारे वर्जन आए थे, तो वो मतलब एक बार एक अब तक 12 डिफरेंट डिफरेंट वर्जन एक्सेल के रिलीज हो चुके हैं, ये वो दिखा रहा है। सिस्टम सिस्टम में आपको वो दिखाता है कि मैक है, विंडोज है, लिनक्स है, इस तरह से। पीसी डॉस मतलब जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वाले सिस्टम है। मैक दिखाता है ये मैकिंटोश के लिए, ठीक है जो एप्पल के आते हैं, ठीक है। हाँ तो इन इन्फो का ये सारे फंक्शन इंफॉर्मेशन के लिए ही यूज होते हैं। और देखते हैं क्या है। इज ब्लैंक, अगर वैल्यू ब्लैंक है, अब ये लॉजिकल में रिजल्ट देगा आपको। मैंने ये सिलेक्ट किया इज ब्लैंक, अगर मैंने ये दे दिया फॉल्स, ठीक है जी। अगर मैंने इसका रेफरेंस कोई ब्लैंक दिया होता तो ट्रू, ठीक है जी। इसी तरह इज एरर की मतलब एरर है कि नहीं। एक ये ले लेते हैं। इस एरर में दो तरह के फॉर्मूले हैं, इज ई आर आर और इज एरर, ठीक है जी। तो एरर है कि नहीं ये बताते हैं। इज ई आर आर और इज एरर में डिफरेंट क्या है कि इज ई आर आर जो है वो हैश एन ए को नहीं पहचानता, वो इसको कोई एरर नहीं मानता है, ठीक है जी। तो अगर आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो इज एरर का ही फंक्शन यूज करें, ठीक है जी। हाँ इज इवन, इज लॉजिकल, इज एन ए, सारा इज एन ए के लिए एक डिफरेंट। अगर आपको यही चाहिए तो इज एन ए पी है कि एन ए की आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है जी। इज इवन क्या है, नंबर इवन ऑड में हो तो उसको पहचानते हैं, इज इवन और इज ऑड। ये आपका जैसे मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया था ना, कंडीशनल ऑटोमेशन में यूज होते हैं सर। जैसे अटेंडेंस मॉनिटरिंग का बनाया था, अब उसमें वी लुकअप एक कंडीशन आई कि वी लुकअप जो है एरर रिटर्न करे तो मतलब वो डेट जो है उसमें नहीं है, ठीक है जी। इस तरह से कंडीशन बनाई थी ना, तो वहां पे मैंने इज एन ए डाला था पता करने के लिए। तो इस तरह से ये आपके इंफॉर्मेशन फंक्शन होते हैं जो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। अब पता चले कोई फॉर्मूला में एरर आ रही है, आपको एक्सपेक्टेड है कि एरर आएगी, तो आप उसमें इज एरर का फॉर्मूला डाल सकते हैं या इज रेफरेंस का डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो जो एरर आपको पता है वो उसका डाल सकते हैं, इज एन ए का, जैसे कि मैंने बताया। तो ये सब फॉर्मूले के अंदर ही यूज होते हैं। इज लॉजिकल, अब जो वैल्यू आ रही है मान लीजिए ट्रू फॉल्स आनी चाहिए, मतलब गलती से उसमें एरर आने के भी चांसेस है, तो आप पहले चेक करा लेंगे इज लॉजिकल। अगर लॉजिकल है तो काम करें, ट्रू फॉल्स की वैल्यू है ये चेक कर लेगा। इज लॉजिकल नहीं, ट्रू फॉल्स मतलब ये सब इसमें इंफॉर्मेशन से पता हो। इस वाले जितने भी फंक्शन होते हैं वो ट्रू फॉल्स में ही आपका रिजल्ट देते हैं। इज नॉन टेक्स्ट है, इज नॉन टेक्स्ट, कोई रेफरेंस दे देता हूं,
ट्रू, मतलब इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है। ब्लैंक और नॉन टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है? जो मतलब नॉन टेक्स्ट मीन्स आपके कुछ ऐसे करेक्टर्स जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। checks whether a value not text, blank cells are not text. अच्छा, इसने justification भी दे रखी है कि blank cell ही not text होते हैं। और बाकी देख लेते हैं अगर ऐसा कुछ return करता है। ये is वाले सारे function है इसमें। blank cell के लिए non text का use होता है, पता लगाने के लिए। इस ब्लैंक भी यूज कर सकते हैं और इस नॉन टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। इस इवन और इस ऑड, वैल्यू इवन है ऑड है नहीं है। अब इस टेक्स्ट, इस नॉन टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट भी है। अब ये टेक्स्ट नहीं है, एक फॉर्मूला है, इसलिए फॉल्स किया। टेक्स्ट दिया तो ये, नंबर दिया तो भी, अल्फाबेट्स के लिए ही खाली ये आपको इस टेक्स्ट का फॉर्मूला वर्क ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है जी, मान लीजिए आपके अल्फाबेट्स और नंबर मिक्स है, ठीक है जी, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इफ इज टेक्स्ट, अगर वैल्यू जो है टेक्स्ट है तो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देगा। ट्रू में क्या करना है, हमें ये वैल्यू दे देनी है, अदरवाइज क्या करना है, ब्लैंक करवा देना है। ठीक है जी, तो आपका ये टेक्स्ट सीधे सीधे आ गए। हालांकि इसका अल्टरनेटिव हमारे पास यहाँ पे टी फंक्शन है, सिर्फ टी। अब टी को करेंगे वो भी सेम यही चीज करेगा। ठीक है जी, तो हमारे पास इस नंबर का भी फॉर्मूला है इसी तरह से। अगर ये वैल्यू, इफ इज नंबर, मतलब ये नंबर है तो ये दे दे, अदरवाइज ब्लैंक कर दे। ठीक है जी, ये नंबर टेक्स्ट आपके अलग अलग हो गए सीधे सीधे। अब इसके लिए नंबर अलग करने के लिए एन फॉर्मूला है, बट एन क्या करता है, एन जब भी देंगे वो अल्फाबेट के लिए आपको जीरो रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, तो वो ये वाला बेटर है क्योंकि आप ब्लैंक ले रहे हैं। ठीक है जी, और नंबर है, एन जो है आपका, हाँ एन मतलब नंबर, वो नंबर आपको रिटर्न करेगा, पर जीरो भी रिटर्न कर देता है। एनए जो है इसमें वो एनए की एरर रिटर्न करता है, बस वैसे ही है, मतलब बगैर बात के भर रखे हैं। दूसरा है टाइप, टाइप का जो है अगर आपका जो टेक्स्ट है उसमें तो वन रिटर्न कर देगा, ऐसे ही उसके पैरामीटर्स हैं, आपको अगर देखना है तो यहां से देख सकते हैं। नंबर के लिए एक रिटर्न करता है, टेक्स्ट के लिए दो, लॉजिकल वैल्यू टू फॉल्स के लिए चार, एरर के लिए 16, और अगर एरे होता है तो 64। ठीक है जी, ये हमारे इंफॉर्मेशन फंक्शन थे। ठीक है सर, इंफॉर्मेशन फंक्शन हमेशा किसी ना किसी के साथ लगा के ही यूज होते हैं, इनको ध्यान में रखना जरूरी है। हालांकि इसका काम कम पड़ता है, पर फिर भी कई केस ऐसे आते हैं जो सिर्फ इसी से ही सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ठीक है सर, ओके सर, तो आज का सेशन इतना ही था इंफॉर्मेशन फंक्शन का, बाकी फिर बाद में करेंगे हम। ठीक है जी, ठीक है सर, ओके।